कभी अचानक जब गेस्ट आ जाते हैं ना, तो एकदम हम देखते हैं फ्रिज में क्या रखा है जो कि अच्छा सा बन जाए। तो ऐसे में ना ये कॉर्न की सब्जी जो होती है वो सबसे आसान होती है, बहुत जल्दी भी बन जाती है और गेस्ट को स्पेशल फील कराती है। मैं हूँ स्वाति और आज आपके साथ ये कॉर्न की झटपट वाली सब्जी बनाते हैं। तो इस सब्जी को बनाने के लिए फ्रोजन कॉर्न लिए हैं, साथ ही ये जो कैप्सिकम और अनियन है उसको मैंने डाइसेस में काट लिया है। थोड़ा सा पनीर मेरे पास था तो बस जितना था उतना ही ले लिया है। अब यहाँ पर जो मसाला बनाने के लिए टमाटर प्याज लिए, तो मिर्ची को मैंने डिसीट कर लिया था क्योंकि इसको हमको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है। तो सबसे पहले जो डाइसेस काट के रखे थे ना प्याज के, उसको हल्का सा मैंने सौते किया और बाहर निकाल लिया। अब जो कैप्सिकम है उसको भी मैं हल्का सा सौते करूँगी और उसको भी बाहर निकालूंगी। ये जो कलर है ना वो एकदम मेंटेन रहे, इसलिए हम इसको अभी एक बार सौते करके बाहर निकाल लेते हैं। अब सेम पैन के अंदर ही ना थोड़ा सा हम तेल डाल लेंगे और इस तेल के अंदर मैंने जीरा डाला और उसके साथ एक तेज पत्ता डाल दिया और सूखी लाल मिर्च डाल दी है। ये जो सब्जी है ना स्वीट कॉर्न की है, तो जो स्वीट कॉर्न की मिठास होती है ना हम उसको बिल्कुल मेंटेन रखेंगे। तो उसके लिए हम आगे एक स्पेशल चीज भी इसमें मिलाएंगे, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़े से अदरक और हरी मिर्च मिलाया, साथ ही जो बारीक चॉप करके प्याज रखी थी उसको मिला दिया है। अब मैंने इसमें हल्का सा नमक डाल दिया जिससे प्याज जो है जल्दी से भुन जाए। हमें यहाँ प्याज को बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है। तो ये हल्की भुनने लगी तभी टमाटर डाल दी जिससे टमाटर भी ये जल्दी से गल जाए, तो मैंने इसको ढक के रख दिया। अगर आप टमाटर चाहे तो इसके अंदर कोसरी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हल्दी डाली है, धनिया डाला है और उसके साथ लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल करके ना इसके मसाले को अच्छी तरह से भुनने दूंगी। जब मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर फ्रेश मलाई डाल दी है। अगर आपके पास क्रीम है तो आप इस मलाई को मत डालिए, लास्ट में क्रीम डाल दीजिए। लेकिन अभी क्योंकि हम झटपट वाली सब्जी बना रहे हैं ना, तो मैंने फ्रिज में से एकदम फ्रेश मलाई निकाल करके ही डाल दी है। अब जितना पनीर था वो भी मैंने मिला दिया है और साथ ही मैंने इसके अंदर कॉर्न मिला दिए हैं। तो ये जो कॉर्न और पनीर है इसको हम कुक होने देते हैं। यहाँ पर हमको ज़्यादा कॉर्न को कुक नहीं करना है क्योंकि वो फ्रोजन कॉर्न है तो ऑलरेडी कुक्ड है। अब इसके अंदर जो हमने सौते करके कैप्सिकम और अनियन के डाइसेस रखे थे उनको मिक्स कर लेते हैं। अब लास्ट में मैं इसके अंदर थोड़ा सा गर्म मसाला तो मिलाऊंगी, साथ में मैंने थोड़ा सा सौंफ पाउडर मिलाया है जो इसका टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है। अब इसे एक अच्छा सा रिच फ्लेवर देने के लिए ना इसके अंदर मैंने आधा कप दूध मिला दिया है। अब जो कॉर्न की मिठास है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस दूध को मिलाने के बाद में, सिर्फ मैंने आधा कप दूध मिलाया था लेकिन वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा कर देगा और इसकी ग्रेवी जो हल्की सी हो जाएगी वो भी बहुत थिकनेस वाली हो जाएगी। तो बस ये सब्जी हमारी गर्मा गर्म बन करके रेडी हो गई है, जो कि 5 मिनट वाली रेसिपी है। अब आप इसे सर्व कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी लगता है कि यूज़फुल है और आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पर भी कर लीजिए। आई होप आपको इस तरह की रेसिपीज जो कि झटपट बन जाए, चाहे वो टिफिन में रखिए या कभी भी आप बना करके खाइए, बच्चों को तो पसंद आती है, साथ में हमें भी बनाना बहुत आसान हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।